हाय गाइस, मैं हूँ विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं होस्ट प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो है, ये है ई कॉमर्स का। ठीक है, इसमें हम लोग ई कॉमर्स का टेम्पलेट बना रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसके फॉन्ट साइज को बड़ा करते हैं और थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन को अच्छा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग एक और काम है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे एक बटन को ऐड करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बटन को ही ऐड करता हूँ, तो मैं अपने लिप फोल्डर में आ जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद मैं एक लिप फोल्डर के अंदर एक मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ और ये जो डायरेक्टरी होगा ये इसको भी मैं नेम रख देता हूँ कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करने का मतलब मेरा ये है कि प्रोजेक्ट में जो भी हम लोग का ऐसा कुछ फाइल हो, लाइक जैसे बटन है, तो बटन हम लोग के प्रोजेक्ट में हर जगह जरूरत होगा। ठीक है, तो उसके लिए उसका जो चीज है वो हम लोग यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर रखेंगे। लाइक हम लोग को बटन बनाना है तो बटन और भी जगह हम लोग को बनाना होगा, तो उसका जो काम होगा हम लोग यहाँ से डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, डॉट फाइल, और उसका मैं नेम रख देता हूँ डिफॉल्ट बटन। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बार मैं इसका थोड़ा सा स्क्रीन साइज बड़ा कर लेता हूँ। ओके, मैं इसको 14 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अगेन एडिटर और फॉन्ट, ठीक है, इसको भी मैं 14 कर देता हूँ। ठीक है, कि आप लोगों को साफ दिखाई दे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ मटेरियल डॉट डॉट। ओके, और यहाँ पे अब स्टेटलेस मैं विजिट बना लेता हूँ, स्टेटलेस विजिट। ठीक है, और यहाँ पे मैं बटन रखता हूँ, बटन का नेम रख, मतलब ये जो क्लास है इसका नेम मैं रख देता हूँ डिफॉल्ट बटन। ठीक है, और यहाँ पे कंटेनर में आके मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डिफॉल्ट बटन के लिए। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक साइज बॉक्स ले लेता हूँ, क्योंकि जो भी साइज होगा वो आ जाएगा यहाँ पे साइज बॉक्स। ठीक है, और इसके अंदर एक मैं चाइल्ड विजिट ले लेता हूँ, इसका तो मैं विथ और हाइट मैं सेट कर देता हूँ सबसे पहले। तो विथ मैं सेट कर देता हूँ डबल डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, हम लोग को पता नहीं है कि उसमें क्या उसका हाइट होगा, तो इसको जितना भी हम लोग हाइट वहां पे दें उतना हाइट में ये वहां पे फिट बैठ जाए। ठीक है, और हाइट मैं इसका सेट कर देता हूँ कि हाइट इसका हो जाएगा लगभग 55 में कर देता हूँ। ठीक है, और चाइल्ड मैं ले लेता हूँ चाइल्ड ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर मैं फ्लैट बटन यूज करता हूँ। ठीक है, और फ्लैट बटन के अंदर हम लोग को कुछ चीजें डालना होता है, जैसे ऑन प्रेस्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑन प्रेस्ट यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे चाइल्ड मैं ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं पास करता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली जो भी हम लोग वहां से बटन का नेम देंगे वो आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं फिलहाल यहाँ पे बटन रख देता हूँ और इसका मैं कुछ स्टाइल दे देता हूँ। स्टाइल मैं दे देता हूँ इसका लाइक टेक्स्ट स्टाइल से। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग इसका साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट साइज मैं इसका कर देता हूँ 80। ठीक है, 18। ओके, और हम लोगों का काम यहाँ पे कलर, कलर मैं इसको कर देता हूँ वाइट। ठीक है, कलर इसका व्हाइट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं शेप में आ जाता हूँ। शेप में आने के बाद यहाँ पे एक और चीज हम लोग करना है, इसका कलर हम लोग सेट कर देते हैं कलर्स डॉट, और यहाँ पे मैं इसका कलर सेट कर देता हूँ ब्लू एसेंट। ठीक है, ओके, और इसका शेप हम लोग कुछ डिफाइन कर देते हैं, तो शेप डिफाइन कर देता हूँ मैं राउंड में, और राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर। ठीक है, तो राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर।
ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसका बॉर्डर जो है वो 20 मैं दे देता हूँ रेडियस में। ठीक है, ये बटन यहाँ पे हम लोग का हो गया, और साथ में इसको मैं अभी करता हूँ, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे बॉडी में आने के बाद यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, इसी को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ डिफॉल्ट बटन को। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये डिफॉल्ट बटन, ठीक है, और इसको मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। तो मैं इसको इंपोर्ट करा लिया, ओके, और अब मैं यहाँ पे एक बार रीस्टार्ट करता हूँ अपने एप्लीकेशन को। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बटन देख सकते हैं कि बटन हम लोग का आ गया है, और ये राउंडेड में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसका हम लोग को फॉन्ट साइज बड़ा करना होगा और हाइट को छोटा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज हाइट को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 45। ठीक है, और फॉन्ट साइज को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 20। ठीक है, अब मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पे बटन थोड़ा परफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, और एक चीज और हम लोग को करना होगा यहाँ पे बॉडी में, यहाँ पे हम स्पेसर यूज कर सकते हैं कि नीचे से थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पेसर यूज कर लेता हूँ, और मैं रिलोड करता हूँ इसको। ओके, यहाँ पे कॉमा रहेगा, रिलोड करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि बटन का जो हाइट है वो आ चुका है। मैं अगेन इसको, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बटन का हाइट थोड़ा सा ऊपर आ गया है। ठीक है, अब दूसरा चीज जो हम लोगों को करना है कि थोड़ा सा इसके अंदर हम स्पेस दे देते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट बटन यहाँ पे एक और मैं स्पेसर, ठीक है, और यहाँ पे फ्लैश यूज कर लेता हूँ मैं 1। ठीक है, अब ये जो साइज है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोग को जो नेक्स्ट चीज यहाँ पे यूज करना है वो यूज करना है कि हम लोग बटन को जो डिफॉल्ट बटन है इसके अंदर हम लोग कुछ पैरामीटर सेंड कर सके, क्योंकि हर जगह तो हम लोग एक ही बटन को नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ मैं पैरामीटर सेंड करता हूँ, लाइक टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट में हम लोग क्या देने वाले हैं इसके लिए, तो टेक्स्ट में मैं यहाँ पे दे देता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट में कंटिन्यू आ जाएगा, और यहाँ पे एक और चीज हम लोग को देना होगा प्रेस, मतलब जब बटन पे कोई क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेस बटन भी हम पास कर देते हैं, तो अभी फिलहाल में यहाँ पे कोई प्रेस बटन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली प्रेस बटन, और उसके बाद इसी पैरामीटर को हम लोग को वहां पे सेंड करना होगा। ठीक है, डिफॉल्ट बटन में, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ फाइनल, ठीक है, टेक्स्ट, ओके, और यहाँ पे फाइनल, और क्योंकि यहाँ पे बटन है जिसपे क्लिक है तो ये एक फंक्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को यूज करना होगा फंक्शन, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इस पे क्लिक करना है, इस पे एक्शन परफॉर्म करना है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फंक्शन। ठीक है, अब इस पैरामीटर के लिए हम लोग को कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, तो आपको यहाँ पे क्रिएट कंस्ट्रक्टर फॉर फाइनल फील्ड्स, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, यहाँ पे हमको यूज करना होगा रिक्वायर्ड बटन, ठीक है, रिक्वायर्ड कीवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आ गया ये रिक्वायर्ड, ओके। अब यहाँ पे ये जो जो भी टेक्स्ट सेंड करेगा, ठीक है, वो टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, अब इसका जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे टेक्स्ट को हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। और पेस्ट बटन की जगह पे हम लोग सिंपली ये जो पेस्ट है, ठीक है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रेस यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे फंक्शन कैन नॉट असाइन टू वाइड फंक्शन, ओके, तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं फंक्शन। हाँ, डिफॉल्ट बटन फंक्शन प्रेस, ओके, ठीक है, इसको मैं चेक करता हूँ फंक्शन, टेक्स्ट को भी मैं नीचे रखता हूँ। ठीक
ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार इसको मैं पास कर देता हूँ बॉडी के अंदर प्रेस को लेके। तो यहाँ पे मैं एक नेविगेटर, हम लोग को अगर बटन के ऊपर क्लिक करना है तो हम लोग यूज करना होता है नेविगेटर। नेविगेटर डॉट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लेना पुश। पुश नेम, ठीक है, पुश नेम, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जाएगा और उसके बाद से राउट नेम जाएगा। तो फिलहाल में हम लोग के पास कोई राउट नेम नहीं है, तो मैं यहाँ पे जो एक्सप्रेस स्किन वाला जो राउट है इसी को मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ डिफॉल्ट बटन पे, ताकि हम लोग का कुछ ओके। यहाँ पे पुश डिफॉल्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा लेता हूँ लाइब्रेरी को, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पे जो एरर है डिफॉल्ट बटन में, ये अभी भी आ रहा है। यहाँ पे फंक्शन को मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चला गया, ठीक है, मे बी ये ऐसे काम कर रहा है, ओके, ठीक है। तो अभी तो ये हो गया, और हम लोग का अभी जैसे मैं अब इसको रिलोड करता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है हम लोग का स्क्रीन पे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बटन चेंज हो गया है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ बटन पे और इसी पेज पे ये ट्रेवर्स होके आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे बटन का ऑन क्लिक भी काम कर रहा है और साथ में ये भी काम कर रहा है, ओके। और दूसरा चीज जो हम लोगों को करना है वो ये है कि यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं फ्लैश, ओके, और यहाँ पे मैं इसको अगर रिमूव करता हूँ, ठीक है, तो ओके, इसको मैं रन देता हूँ, फ्लैश 1 एटलीस्ट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग को जो काम है कि थोड़ा सा टाइटल को हम लोग चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे जो सेम टाइटल है वही यहाँ पे दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको चेंज करें और इसका जो यहाँ पे पॉइंट है इसको भी हम लोग चेंज करें। तो बॉडी में आ जाते हैं, सबसे पहले तो मैं डॉटेड के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे जो ग्रीन है इसके जगह पे मैं कर देता हूँ ब्लू, ठीक है, और यहाँ पे कलर जो है इसको मैं कर देता हूँ ग्रे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, तो ये थोड़ा सा स्टाइलिश का चेंज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया। अब जैसे हम इधर जा रहे हैं तो ये इसके अकॉर्डिंग ट्रेवर्स यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज है कि हम लोग थोड़ा सा इसके कंटेंट में जाते हैं और यहाँ पे शॉप में इसका फॉन्ट साइज को मैं बढ़ा कर 28 कर देता हूँ और इसका कलर मैं कुछ सेट करता हूँ, तो फॉन्ट बल्कि कलर कलर डॉट ब्लू एंड, ठीक है, और मैं रिलोड करता हूँ इसको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ 28, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसको बड़ा करके मैं 40 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्क्रीन जो है हम लोग का वो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है शॉप के हिसाब से, ठीक है। तो और इसका साइज हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, मैं 55 कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइज थोड़ा सा और बड़ा हो गया है और पॉली से काफी अच्छा ये स्क्रीन लग रहा है, जो हम लोग एक्सप्रेस स्क्रीन वाला जो स्क्रीन है ये पहले से थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे लग रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस स्क्रीन बना चुके हैं, लगभग इसमें जो भी है काम है वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं स्लाइड भी हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसी स्क्रीन पे, क्योंकि हम लोग इसी स्क्रीन का यहाँ पे राउट दिए हुए हैं, तो इसी स्क्रीन पे ये आ भी रहा है। तो अब हम लोग का काम है कि इसमें हम लोग लॉगिन स्क्रीन को बनाए, ठीक है, जब भी इस पे कोई क्लिक करेगा उसके बाद ही लॉगिन स्क्रीन पे जाएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और इसका लॉगिन स्क्रीन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करिएगा।